गुस्सा मत करो, ये दूध पी लो। मुझे नहीं पीना ये दूध। संभल के, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा, मैं कह रही हूँ पी लो। मैंने कहा ना रीबा, मुझे नहीं पीना। मैं कह रही हूँ ना, पी लो। तुम्हारी सेहत के लिए नहीं पीना। मिसक्रेट हो गया यार। जम्मल के घर पे लड़ाई हो गई, मेरी कजन ने अभी बताया मुझे। हाँ, शायद मेरी वजह से। मतलब? उसके हस्बैंड को मेरा उससे फोन पर बात करना पसंद नहीं। अब तो तुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा? जम्मल को उसके शौहर से आजादी दिलवा। पर वो ऐसा नहीं चाहती। यार तू भी तो पागल है, उसको बता तू उसको कितना चाहता है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? ऐसे मौका पर तो मेरा दिमाग चलता है। एक बार उसे मिलके बात तो कर। उससे क्या होगा? उसको तसल्ली दे कि इस दुनिया में उसको कोई चाहता भी है। लेकिन उसने कहा है कि मैं उसका नंबर डिलीट कर दूं। और तूने मान ली? और चॉइस भी क्या है मेरे पास? पागल है तू। वहां पे वो दुखी है और तू? समल, अरीबा, अरीबा। हाँ, क्या हुआ? मेरा एक काम कर सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? दरअसल मुझे आंटी से कहना अच्छा नहीं लग रहा। ड्राइवर भी नहीं है और फारिस भी शाम को आएंगे। मुझे मेडिसिन खानी है और मेडिसिन है नहीं। क्या तुम मेरे लिए जाकर ला सकती हो? Why not sure, तुम मुझे बता दो जो भी लाना है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और कुछ? नहीं बस यही कर दो, काफी है। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकती हो। नहीं, दरअसल मेरी तबीयत अभी बेहतर नहीं हुई, तुम खुद ही चले जाओ ना। चलो ठीक है, मैं बस अभी जाती हूँ। ये दवाइयाँ लानी है। सही है। वो निकल गई है, तुम भी फरहान को लेकर पहुंच जाओ। इस बार काम हो जाना चाहिए। जमन, फरहान, तुम यहाँ? हाँ, वो एक काम था। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली आई एम इन अ हरी, मैं घर जा रही थी। मेरे साथ कॉफी पियोगी? आज नहीं फरहान, प्लीज। अमन, फरहान, वन लास्ट टाइम प्लीज। अच्छा, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकूंगी। या फाइन, मैं तुम्हें ज्यादा देर रोकूंगा भी नहीं, प्रॉमिस। ठीक है। हाँ बोलो। मिस्टर फारिस, आपको रेस्टोरेंट का पता भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पे आ जाएं आप। मैं जानता हूँ जरूर तुम्हारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जा रही और तुम बहुत मुश्किल से वहां रह रही हो। अब हर रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं ना फरहान। हाँ, मगर तुम फारिस को छोड़ भी सकती हो। मेरे इस डिसीजन से दोनों फैमिलीज में बहुत क्लैश हो जाएगा। और तुम्हारी जिंदगी जो फारिस के साथ क्लैश बन चुकी है वो? मुझे अब अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी की परवाह है जमन। क्या हुआ जमन, तुमने माइंड किया? फरहान, शायद तुम भूल रहे हो, अब मैं मैरिड हूँ। मैं जानता हूँ जमल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मैंने उससे कोई बात भी की है जो तुम्हें माइंड करना चाहिए। मैं तो बस एक बात जानना चाहता हूँ जमल। क्या?
सच बताना था कि मैं तुम्हें कभी भी अच्छा नहीं लगा। तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो फरहान, लेकिन लेकिन क्या समय, प्लीज कुछ बताओ तो सही। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। समन, मेरी बात तो सुनो। तुम क्या हो रहा है सब? आप कौन? मैं कौन? पूछो इससे, मैं इसका शौहर हूँ। शौहर? तुम? मैं वो लवर हो ना इसके। फारिस प्लीज। तुम चुप करो। आप लोगों को गलत फहमी हो रही है मिस्टर फारिस। गलत फहमी? मैं तुम्हें कहा था इससे बात नहीं करनी, तुम यहाँ इससे मिलने चली आई। वो मैं भाई साहब मेरी बात तो सुने। Enough! एक और लफ्ज नहीं बोलना तुमने, तो चलो मेरे साथ। फारिस, फारिस, फारिस मेरी बात तो सुने। फारिस, क्या क्या हुआ? पता नहीं यार, समीर का शोहर आया भी एकदम से और उसको लेके चला गया। पर लेकिन किसने बताया उसको कि जमील यहाँ थी? पता नहीं यार, मुझे लगता है शायद कोई रिपोर्ट देता उसको जमील की। जमील की तो अब खैर नहीं यार, अब पता नहीं यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फारिस, अपनी बेटी से पूछिए। क्या हुआ जमल? मॉम वो जी अपने आशिक से नहीं मिल रही थी। जमल, ये फारिस क्या कह रहा है? नहीं मॉम, वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मेरा क्लास फेलो रह चुका है। क्लास फेलो? ये कैसा क्लास फेलो जो तुमसे पूछे कि मैं कैसा लग रहा हूँ? मैंने अपने कानों से सुना है ये। मॉम वो मुझे पसंद करता था, लेकिन मैंने कभी भी उसे उसे बढ़ावा दे रही थी, उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी ना। फारिस, मुझे अपनी बेटी की बात सुनने दो। आप सुनिए इसकी बातें, जी भर कर सुनिए, इसलिए मैं अब इसे अपने घर वापस नहीं ले जाऊंगा। क्या मतलब है इस बात का? मैं अब समल को अपने साथ नहीं रख सकता, बदकिरदार बीवी। फारिस क्या कह रहे हो तुम, जबान संभाल कर बात करो। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ आंटी, मैंने अब समल को तलाक देने का फैसला कर लिया। क्या तलाक? जमल चंद दिनों में तुम्हें कागजात मिल जाएं। फारिस रुको से, फारिस फारिस तुम इतने गुस्से में क्यों? कुछ बताओ तो सही। फारिस क्या बात है, आज आप ऑफिस से इतना जल्दी आ गए? फारिस कुछ तो बोलो, बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं उसे उसके पेरेंट्स के घर छोड़ा है। किसको? जमल को। अगर क्यों? मुझसे छुप कर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल रही। नो, I just can't believe this, Faris. Faris, ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, नहीं हो सकता। तो ये देखिए, और ये एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हो चुका है, बस आज इन दोनों को मैंने पकड़ लिया। फारिस देखो, अगर ऐसी कोई बात हो भी गई थी तो तुम जमल को साथ लेकर आते, उसको उसके पेरेंट्स के घर क्यों छोड़ाए हो? क्योंकि इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। फारिस क्या हो गया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हरीबा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, और मैंने जमल को तलाक देने का फैसला कर लिया। क्या हो गया फारिस, पागल हो गए हो तुम? फारिस ये क्या कह रहे हैं आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम ऐसा नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं। हाँ मॉम, मैं ऐसी बीवी के साथ नहीं रह सकता। फारिस
मेरी बात आपने अगर मुझे इस बार रोकने की कोशिश की तो मैं यह घर छोड़कर चले जाऊंगा। फारिस बेटे मेरी बात तो सुनो। फारिस फारिस चुप चुप हो जाओ मेरी जान, बस करो बेटा, कितना रोगे आखिर। अच्छा मुझे बताओ हुआ क्या था, सब कुछ बताओ मुझे बेटा। मामू मेरा सिर्फ क्लास फेल होता और ये बात शादी से बहुत पहले थी। मुझे नहीं पता शायद वो मुझे पसंद करता था या क्या, लेकिन उसको पता था कि मेरी फारिस से शादी होने वाली है, उसे सब पता था। और शादी के बाद तो मैंने कभी उसको दोबारा देखा भी नहीं, लेकिन बस चंद दिन पहले मुझे उसकी कॉल आई और आज भी सिर्फ इत्तफाकिया वो मुझे मिल गया था। उसने मुझे इतना इंसिस्ट किया कि एक कॉफ़ी पी लो, इसलिए मैं बस थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी उसके साथ। बस मां मैंने और कुछ नहीं किया, आप चाहे तो मुझसे किसी की भी कसम ले लें। अरे मैं तुमसे क्यों कसम लूंगी मेरी जान, मुझे भरोसा है अपनी बेटी पे। फारिस को क्यों नहीं है फिर? क्योंकि वो तुम्हारा शौहर है और शौहर भी वो जो हरजाई हो चुका है, वो तो बहाने ढूंढेगा ना तुम पर इल्जाम लगाने के। क्या होगा मां? कुछ नहीं होगा बेटा, मैंने तुम्हारे डैड को भी फोन कर दिया है और रूहान को भी, वो दोनों आ जाए फिर देखते हैं क्या करना। तुम परेशान मत हो मेरी जान, मत परेशान हो। दो ही लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल। पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा कैसे जीते हैं हम, कैसे जीते हैं हम। क्या हुआ? क्या सीन था यार? फारिस ऐसे घसीट के लेके गया है उसको। क्या बताऊं तुझे? अच्छा क्या वाकई? अरे सब देख रहे थे, तुम्हें भी होना चाहिए था वहाँ। अरे तो तुम वीडियो बनाकर भेजते ना मुझे। सॉरी हरीबा, ख्याल नहीं रहा मुझे। वैसे तुम्हें पता है फारिस ने जमल को तलाक देने का फैसला कर लिया है। चलो अब तुम्हारा काम तो हो गया। हाँ बस अब चंद ही दिनों में जमल से जान छूट जाएगी मेरी। हरीबा ये तो बताओ कि बाकी के पैसे कब दे रही हो तुम मुझे? फुल पेमेंट जमल की तलाक के बाद मिलेगी, ये मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। अरे तलाक तो हो गई समझो, लेकिन मैं फिर भी अपनी तसल्ली चाहती हूँ। अब देख लो तंग कर रही हो तुम मुझे। मैं कोई तंग नहीं कर रही, असूल की बात कर रही हूँ। अब तो मैं खुद भी फारिस को फोर्स करूँगी कि वो जमल को तलाक दे दे। बस जैसे ही जमल की तलाक हो जाएगी तुम्हें तुम्हारे बाकी के 3 लाख भी मिल जाएंगे और 1 लाख मेरी तरफ से इनाम के तौर पे। तुमने काम जो इतना जल्दी कर दिया। 1 लाख और? तुमने तो कमाल कर दिया रीबा। अच्छा सुनो बाद में बात करती हूँ। जमल तुम्हारा काम तो तमाम। लेने गई क्यों थी? घर पे और कोई नहीं था डैड। तो क्या तुम उसकी नौकर लगी हुई हो? ओहो क्या हो गया, जमल पे पहले ही अरीबा का इल्जाम लग गया था, उसका मदावा करने के लिए थोड़ी सी केयर कर ली तो कोई बात नहीं, मैंने भी इससे यही कहा था। तो केयर करने के लिए उसका शोर नहीं है क्या? अच्छा छोड़ें ना इन बातों को, जो असल मसला है उस पे बात करें। ये तो अब वारिस और फारिस से मिलकर ही बात हो सकती है। तो करें ना बात उनसे। करता हूँ मैं बात उससे। हाँ
भोले नहीं। तुमने जितने भी सितम ढाए हम कभी बोले नहीं। हाले दिल कैसे कहें तुमको बहुत चूर हुए बहुत चूर हुए। वारिस, तुम्हें जमल को यहां पे लाना चाहिए था। तुम्हारी मां मेरे को ठीक कह रही। डैड, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। उसको यहां लाकर बात करने का कोई फायदा नहीं था। फिर भी तुम उसे यहां पे लाते, हम उसे आराम से बैठकर बात करते। मैं हूं उसका शौहर। जो बात करनी थी वो कर ली मैंने। हर बार मैं आप दोनों को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने नहीं दूंगा। इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई है फारिस? धोखा हुआ है मेरे साथ। You tried to ditch me. समल ने ये सब कुछ कबूल कर लिया। ऐसा धोखा कौन एक्सेप्ट कर सकता है? क्या कह रहे हैं आप डैड? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि असल बात कुछ और होगी। आप बैठकर सोच लें जो आपने सोचना है। मैं फैसला कर चुका हूँ, समल को मैं तलाक दूँ। नहीं फारिस, हर किस नहीं। तुम जल्दबाजी में ये फैसला नहीं करोगे। फैसला हो चुका है डैड, अब इसमें जल्दी और देर क्या। बाय। मुझे जमाल से बात करनी होगी। सब क्या हो रहा है इस घर में मना है? मेरा तो परेशानी से सर पटा जा रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रही, इस घर में जब सही होने लगता है सब कुछ, कुछ ना कुछ नया हो जाता है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन आंटी फारिस ने इस बार बहुत ज्यादा रिएक्शन शो की। रियली मना है? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि फारिस ने जो रिएक्शन दिया वो ज्यादा था? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि जमल चुप चुप के दूसरे लड़कों से मिलती रहे और फारिस खामोशी से देखते रहे, कुछ कहें भी ना? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर क्या कहना चाह रही हो तुम, जरा समझाओ मुझे। देखो, मेरा मतलब ये है रीबा कि हो सकता है शायद उसे उस लड़के से बात करके अच्छा लगता हो। रियली मनाए, क्या कहा है तुमने? देखो, ये पाकिस्तान है, कैनेडा नहीं है। यहाँ तो एक औरत का गैर मर्दों से बात करना भी बुरा समझा जाता है, और वो तो अपने शौहर से छुपके उससे मिल रही थी फारिस के मना करने के बावजूद, और तुम्हें लगता है कि ये कोई बात ही नहीं है? लेकिन ये सब कुछ एक गलत फहमी भी तो हो सकती है ना? कोई गलत फहमी नहीं हुई थी, और तुम भी ये अच्छी तरह जानती हो कि फारिस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अलग बात है कि आप लोगों ने जमल को अपने दिल में इतनी जगह दी है कि ना तो आप उसके खिलाफ कुछ सुनना चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। और मुझे धक्का भी तो उसी ने दिया था, लेकिन उस वक्त भी आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। सबने सिर्फ जमल का ही साथ दिया था। शायद रीबा ठीक कह रही। क्या फारिस मुझे छोड़ देगा मॉम? बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे डैड गए हैं ना वारिस भाई से बात करने के लिए? नहीं मॉम, आपने देखा नहीं फारिस कैसे कह रहे थे कि वो मुझे छोड़ देंगे? वो इस बार किसी की नहीं सुनेंगे।
मैं जानती हूँ उन्हें। बेटा तुम परेशान मत हो, हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। सारी गलती मेरी है, मुझे उस लड़के के साथ रेस्टोरेंट जाने ही नहीं चाहिए था। बेटा बिला वजह तुम अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हो। तो अब क्या करूं? आपने देखा नहीं फारिस किस कदर गुस्से में था? इस बार फारिस मुझे छोड़ देंगे, मुझे पता है वो मुझे छोड़ देंगे। वो संभल बेटा, संभालो खुद को, रिलैक्स करो बेटा। तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो और वैसे भी इस हालत में तो तलाक हो ही नहीं सकती। ये बच्चा तुम्हारी खुशियों की हिफाजत है, इसलिए तुम बेटा उसकी हिफाजत करो। बेगम साहिबा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो, सुन रही हूँ। बेगम साहिबा, छोटे साहब से कहें कि वो जमल बीबी को तलाक ना दें। मैं ऐसा कब चाह रही हूँ, वो तो बस फारिस ही है जो। जमल बीबी की कोई गलती नहीं है। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं जानती हूँ बेगम साहिबा, ये जो कुछ हो रहा है अरीबा बीबी की वजह से हो रहा है, बल्कि ये सब अरीबा बीबी करवा रही हैं। तुम इतने यकीन से सब कैसे कह सकती हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है? अरीबा बीबी फोन पर एक लड़के से बात कर रही थी कि वो जमल बीबी को अगर तलाक दिलवा दे तो वो उसे 4 लाख रुपया देंगी। क्या? जी बेगम साहिबा। मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ, वो मैं तुम्हारा हाल पूछने आया था। जमल, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं यहीं पर हूँ? मुझे किसी से पता चला था कि तुम यहाँ हो। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो फरहान? क्योंकि तुम मुझे पसंद। फरहान प्लीज, आइंदा ये बात मत कह। हाँ ठीक है, जैसे तुम चाहो। फरहान प्लीज माइंड मत करना, मुझे तुम्हें यहाँ से जाने का कहना है। फारिस के घर से कोई भी आ सकता है, किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो उनका शक मज़ीद मजबूत हो जाएगा। ओके, जाता हूँ मैं, मगर मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे और फारिस के दरमियान सब ठीक है ना? ठीक नहीं भी है तो हो जाएगा, और हस्बैंड एंड वाइफ में तो ऐसे मसले होते रहते हैं, बात की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और फरहान प्लीज आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। नहीं आऊंगा। क्या कह रही है? तुमने जमल और फारिस की डिवोर्स कराने के लिए किसी लड़के को पैसे देने का वादा कर रखा था? क्या आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सकीना ने फोन पर सब तुम्हारी बातें सुन ली हैं। आंटी मैं बता रही हूँ आपको, ये इल्जाम लगा रही है मुझ पर, एक दफा फिर मुझ पर इल्जाम लगा रही है ये। ना तो मेरा पहले वाला इल्जाम झूठा था और ना ही ये वाला। तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम बकवास कर रही हो। अरीबा तमीज से बात करो। तमीज से बात करो? आपकी घर की मुलाजमा दूसरी बार मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही है और आप कह रही हैं तमीज से बात करूं। ये इल्जाम नहीं है रीबा बीबी, इस बार मैंने वो गलती नहीं की जो पहले की थी। इस बार मेरे पास मेरी बात का सबूत है। सबूत? क्या मतलब, क्या सबूत है तुम्हारे पास? ऑडियो चलाओ सकीना। अब तो मैं खुद भी फारिस को फोर्स करूंगी कि वो जमल को तलाक दे दे। बस जैसे ही जमल की तलाक हो जाएगी तो मैं तुम्हारे बाकी के 3 लाख में मिल जाएंगे।
और 1 लाख मेरी तरफ से इनाम के तौर पे। तुमने काम जो इतना जल्दी कर दिया। अच्छा सुनो, बाद में बात करती हूँ। ये सब क्या है अरीबा? आंटी वो मैं आपको बताती हूँ दरअसल क्या हुआ था। कौन सा झूठ बोलोगी? बोलो, अब ये कहोगी कि सब झूठ है, ये इल्जाम है तुम पर, ये कोई साजिश है तुम्हारे खिलाफ? क्या कहोगी अपनी सफाई में? बोलो, अब चुप क्यों हो तुम? बल्कि अब तुम नहीं, मैं कहूंगी तुम्हें, निकल जाओ इस घर से अभी इसी वक्त। अब एक बार मेरी बात सुने, मैं आपको समझाती हूँ ना क्या मैंने हुआ था। कहा ना, निकल जाओ, जस्ट नाउ लीव माई होम। आंटी प्लीज मेरी बात तो सुने, मुझे एक बार बोलने का मौका तो दे। तुम ऐसे नहीं सुनोगी। आंटी निकलो मेरे घर से। आंटी प्लीज मेरी एक बार चली जाओ यहाँ से। आंटी मेरी बात सुने प्लीज, एक बार फारिस को तो आने दे। फारिस तुमसे अब एक ही बात करेगा और वो भी तलाक की। आंटी ये दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। अब तुम्हारी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। आंटी प्लीज एक बार बात सुने, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग रही हूँ आंटी प्लीज। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। घर का रुख किया तुमने अरीबा, तुम्हारा जुर्म नाकाबिले तलाफी है। आंटी प्लीज ऐसा मत करे आंटी, मुझे अंदर आने कर जाओ हमारे घर से और हमारी जिंदगियों से। मनाए चलो अंदर, चलो। मनाहिल कॉल करो फारिस को और अपने अंकल को भी बुलाओ, फौरी तौर पे इन दोनों को घर बुलाओ। आज मैं उनसे बात करके छोड़। डिवोर्स पेपर्स तैयार हुए? मुझे शाम तक चाहिए। ओके। हेलो, हाँ मनाहिल बोलो। क्या काश पलटे वो सारी शामें जब तेरे पास थे हम, फर्जी लगती थी दुनिया सारी, बहुत खास थे हम तेरी यादों के महवर में मखमूर हुए। अरीबा तू? अरे क्या हुआ मेरी बच्ची? अरीबा अरीबा, अरे बोलो ना क्या हुआ है? हाँ? अच्छा अच्छा, रो मत, अंदर आ, अंदर आ जा। हाय हाय, अब तो मैं खुद भी फारिस को फोर्स करूंगी कि वो जमल को तलाक दे दे। बस जैसे ही जमल की तलाक हो जाएगी तुम्हें तुम्हारे बाकी के 3 लाख भी मिल जाएंगे और 1 लाख मेरी तरफ से इनाम के तौर पे। तुमने काम जो इतना जल्दी कर दिया। अच्छा सुनो, बाद में बात करती हूँ। सुन लिया तुमने? सुन लिया अपने कानों से तुमने सब कुछ? कुछ बोलो, तबसरा करो इस पे, कह दो कि ये सब कुछ झूठ है और ये कि हम तुम्हारी लाडली बीवी पे कोई इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फारिस, इस लड़की ने एक बार फिर हमें धोखा दिया। लड़की? इस कदर विशेष लड़की है ये, और ये सब आपकी गलती। आपने उसे घर में आने की इजाजत दी। मुझे लगा आप इन बाप की बच्ची है, एक बार माफ करना बनता है, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। जी, ये बिन बाप की बच्ची हमें हमारे घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है। मैं आता हूँ, रुको फारिस। हाँ जा रहे, मैं अरीबा से पूछने जा रहा हूँ। क्या पूछने जा रहे हो फारिस? इसके बाद बेवकूफ कुछ पूछना बाकी रह गया है? पूछूंगा कि ये सब क्यों किया उसने? पूछ लेना, सब कुछ पूछ लेना, लेकिन उसे इस घर में वापस लाने की गलती मत कर। ये तुमने क्या किया रीबा, क्या किया तुमने? मुझसे
गलती हो गई अम्मी। कितनी गलतियां करोगी, कितनी और गलतियां करोगी अरीबा? मुझे कुछ पता ही नहीं चला अम्मी, सब कुछ होता चला गया। ये सब एक लम्हे में नहीं हुआ अरीबा, जब तुम्हें पता नहीं चला। बेटी होकर तुमने ये किया, इतना घटिया काम। मेरी तरबियत का तो तुमने जनाजा निकाल ही दिया था, मेरी कोख की हिलाज रख लेती अरीबा। ज्वाला आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया, अम्मी वो मुझे वापस घर में नहीं रखेंगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं मैं? अरीबा आपी, आपने बहुत गलत किया है, तो मैं और क्या करती? मेरे घर में मुझे जमल का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो उस घर में आपका वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगी। तुम तो सिर्फ बेघर हुई हो ना अरीबा, अरे हम तो बेइज्जत हो गए हैं। क्यों किया तुमने ये सब अरीबा? मैंने ये सब तुम्हारी मोहब्बत में किया। पारे, मोहब्बत में ऐसा कोई करता है? मुझसे हो गई ना गलती। बहुत बड़ी गलती हो ये तुमसे। मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे पारे, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर कैसे कर सकती थी? इतनी बड़ी हरकत इसलिए किए तुमने सब? प्लीज पारस, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम मुझे छोड़ना मत, खुदा के लिए मुझे छोड़ना मत, मैं मर जाऊंगी पारस। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, मोहब्बत करता हूँ तुमसे अरीबा। सच में? हाँ, लेकिन मॉम डैड तुम्हें वापस घर नहीं आने देंगे। तुम उनको राजी करो ना पारस। वो नहीं मानेंगे। तुम उन्हें मनाओगे ना? मैं अब बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन फिर भी पारे, मैं ऐसे तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी? अब सब्र करो, जो तुमने किया है ना, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। वो क्या हो गया अम्मी, इतनी परेशान क्यों हो गई आप? शुक्र करो इन हालात में भी जिंदा हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप अम्मी? कितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था कि मेरी अरीबा अपने घर में खुश है, लेकिन लगता है या तो अल्लाह को मेरा शुक्र पसंद नहीं आया, या मेरी अदायगी पसंद नहीं आई। जब इंसान अपने साथ बुरा करने का सोच ले तो फिर अल्लाह में अभी क्या करें अम्मी? हाँ ठीक कह रही हो तुम। फारिस चला गया जी। अरीबा को साथ लेकर नहीं गया ना? नहीं, साथ जाने का कहा भी नहीं। पता नहीं फिर क्या कहने सुनने आया था। मैंने सुना तो नहीं, लेकिन शायद अब फारिस भी अरीबा आपी को अपने साथ ना ले जा सके। अरीबा अगर यहां रह गई तो मैं मर जाऊंगी। नाहिल बोलो। समर, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? किसका फोन था? मिनाहिल का। क्या क्या कह रही थी? सब कुछ अरीबा ने किया था। अरीबा ने? सब कुछ अरीबा ने किया था मॉम। वो इसका
गिर जाएगी, जो तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे मुझे पहले ही पता था। शुक्र अल्लाह ताला, मेरी बेटी की बेगुनाही साबित हो गई। मैं तुम्हारे डैड को बता के आती हूँ। तबीयत अब कैसी है? वो चाह के देख ले, अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। बोलो वारिस, हो गई तुम्हारी बात अरीबा से? जी डैड, डैड वो बहुत शर्मिंदा है। अब हमें उससे और उसकी शर्मिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब? मतलब ये कि अब तो अरीबा को तलाक। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम अरीबा को तलाक दोगे इसलिए कि अब मैं उसे अपने खानदान का हिस्सा नहीं बना सकता। लेकिन डैड, वो बहुत शर्मिंदा है, उसने बहुत माफिया मांग ली है। बहुत माफिया मांग ली उसने और बहुत माफ कर दिया हम, लेकिन आप नहीं। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अच्छा, तो ठीक है फारिस, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे।